ओम श्री साई नाथाय नमः। कहते हैं जब परेशान हो और कहीं से कोई मार्ग ना दिखे तो बस एक बार शिरडी के बाबा को याद कर लो। बाबा अपने भक्तों के दुख दूर करने तुरंत पास पहुंच जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जहां साई बाबा ने सच में चमत्कार किया है। जी हाँ दोस्तों, यह कथा आपका विश्वास साईं के प्रति कई गुना और बढ़ा देगा। सबसे पहले तो साईं के चरणों में हमारा प्रणाम। दोस्तों एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय साई राम जरूर लिखें। दोस्तों यह सच्ची घटना है पटना की रहने वाली रागिनी की। रागिनी गरीब परिवार से थी। वे 5 बहनें और उसका एक भाई था। फिर भी रागिनी का विवाह पास के कुछ छोटे से शहर में राजेंद्र नामक व्यक्ति से हुआ। शुरुआत में तो रागिनी के साथ उसके पति का अच्छा व्यवहार था, परंतु धीरे धीरे उसका व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। दरअसल राजेंद्र के कार्यालय में ही एक लड़की की नई ज्वाइनिंग हुई थी और राजेंद्र की उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी, परंतु धीरे धीरे इस दोस्ती ने एक नया ही रूप ले लिया था, जिस वजह से राजेंद्र अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा था। पहले तो रागिनी को ये सब पति के जॉब में ज्यादा काम होने के कारण लगा कि हो सकता है कि काम की कोई टेंशन हो, परंतु जब राजेंद्र रात को घर लेट लेट आने लगा और कभी जल्दी आ भी जाए तो फोन पर ही चिपके रहने लगा, किसी को मैसेज करते रहना और रागिनी की किसी भी बात का सही जवाब ना देना, ये सारी बातें रागिनी को ज्यादा परेशान करने लगी। हद तो तब हो गई जब एक दिन रात के समय राजेंद्र घर आया तो रागिनी ने गर्म गर्म उसके लिए खाना लगाया और राजेंद्र के बिस्तर में रख दिया, क्योंकि उस समय भी वह फोन में किसी से बात कर रहा था। जैसे ही राजेंद्र ने देखा कि रागिनी उसके कमरे से बाहर जा रही है तो गुस्से में राजेंद्र बोला, क्या तुम बता के अंदर नहीं आ सकती हो? मैं अपने किसी खास से बात कर रहा हूँ ऑफिस के वर्क के सिलसिले में। आइंदा ये गलती करी तो तुम्हारे टांग तोड़ दूंगा। और उसके बाद फिर राजेंद्र फोन में अपनी ऑफिस की उस लड़की से बात करने लगा। रागिनी रोते हुए तुरंत अपने पति के कमरे से बाहर निकल गई और रसोई के ही एक कोने में जाकर छुपकर बैठ गई और कुछ देर में रोते रोते उसकी आंख लग गई। परंतु तभी करीब 2 घंटे बाद रागिनी का पति दोबारा आया और रागिनी को लात मारते हुए बोला, कैसी पत्नी हो तुम, मेरा खाना ठंडा हो गया है, वह कौन गर्म करेगा? और फिर अंधाधुंध रागिनी पर बरस पड़ा। रागिनी को काफी चोटें आईं, वो बस रोए जा रही थी। तब राजेंद्र ने और कड़े स्वर में कहा, निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरी पत्नी कहलाने लायक नहीं, और जबरदस्ती दरवाजे से बाहर कर दिया। रागिनी पूरी तरह से हताश थी, क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप के घर भी जाती तो वह इस बात से डर रही थी कि उसकी 5 बहनें और एक भाई माँ बाप के सर पे वैसे ही बोझ हैं। अगर वह वहाँ गई तो पूरा मोहल्ला उसे कोसेगा, साथ ही उसके परिवार की काफी बदनामी होगी। फिर उसने निश्चय किया कि ऐसी जिंदगी जीकर फायदा ही क्या है जो औरों को परेशान करे, किसी को खुश ना कर सके। तब वह पास ही के एक जंगल की तरफ भागी और सोचा कि किसी पहाड़ी से कूदकर वह अपनी जान दे देगी। जैसे ही वह जंगल में कुछ दूर पहुंची थी कि एक बूढ़े से दिखने वाले भिखारी ने उसे रोका और बोला, बिटिया इतनी रात को तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? रागिनी बोली, बाबा मैं अब और जीना नहीं चाहती, यहाँ मैं अपने प्राण त्यागने आई हूँ। तब बाबा उसे समझाते हुए अपनी कुटिया में ले गए और बोले, बेटा हर किसी के जीवन में दुख और सुख आते ही हैं, इस तरह से अपनी जिंदगी का खेल मत हारो। फिर वे हंसते हुए बोले, श्रद्धा और सबुरी बेटी, तुम ऊपर वाले पर पूर्ण विश्वास रखो और धैर्य रखो, क्योंकि ऊपर वाला सबकी सुनता है। कभी कभी परिणाम दिखने में देर लग जाते हैं,
इसलिए सभी को धैर्य जरूरी रखना चाहिए था। तुम अपने आने वाले बहुत ही सुंदर पलों को उस छिनक दुख के लिए हमेशा हमेशा से बर्बाद कर दोगे। इसके बाद रागिनी वह बाबा की कुटिया में सो गई। जैसे ही सुबह हुई तो रागिनी ने देखा बाबा ध्यान कर रहे हैं। जब रागिनी उठी तो बाबा उससे बोले, बेटा तुम अब अपने पति के घर जाओ, मैंने उससे बात कर ली है। रागिनी को उस समय आश्चर्य हो रहा था कि आखिर बाबा तो ध्यान में थे, फिर वह सुबह सुबह कैसे उसके पति के पास गए। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु बाबा ने समझा कर रागिनी को उसके पति के घर भेज दिया। रागिनी अंदर से बहुत ही डरी हुई थी, परंतु उसे बाबा पर विश्वास भी था। वह जब अपने पति के घर पहुंची और जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो उसके पति ने दरवाजा खोला था और उसके आंखों में आंसू थे। वह अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि मैं पापी हूँ, बहुत गंदा हूँ, जो मैंने अपनी भोली भाली पत्नी पर हाथ उठा। पहले तो रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। जब उसने अपने पति से पूछा तो राजेंद्र ने बताया कि उसके ऑफिस में ही एक लड़की थी जिससे वह रात भर बातें किया करता था। राजेंद्र बताता है कि मैं उस लड़की को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था, परंतु मुझे नहीं पता था कि वह बहुत बड़ी फ्रॉड है। उसने बातों बातों में मुझे फंसा कर मेरे अकाउंट से सारे रुपये उड़ा दिए। मेरी गलती के कारण ही आज हमारे पास कुछ नहीं रहा। तब रागिनी बोली, भगवान जो कुछ भी करता है वह हमारे भले के लिए ही करता है। जरूर इसके पीछे भी उनका कोई बहुत गहरा रहस्य छुपा है, और तुम्हारी इस गलती के कारण आखिर तुम्हारी आंखें खुल गईं। कम से कम हमारा घर टूटने से बच गया। और इसके बाद रागिनी ने बाबा का ध्यान करते हुए फिर से अपने पति के साथ एक नई जिंदगी आरंभ की, और धीरे धीरे वह अपनी गरीबी से उभरने लगे और बहुत जल्द ही फिर उनकी स्थिति सामान्य हो गई। अब राजेंद्र और रागिनी में बहुत प्यार था और उनका अब एक छोटा सा लड़का भी था। एक दिन रागिनी ने सोचा, क्यों ना मैं वापस उसी जगह जाऊं जहां मैंने वो बाबा को देखा था और उनका धन्यवाद भी करूं कि उन्हीं की वजह से आज मैं इतनी सुखी हूं या इतनी सुख भरी जिंदगी जी रही हूं। जब वह उस जंगल में पहुंची तो वहां उस जगह पर कोई कुटिया नहीं थी, एक बहुत छोटा सा मंदिर था और पास ही पुजारी पूजा की व्यवस्था कर रहा था। रागिनी ने पूछा कि यहाँ पहले जो भिखारी बाबा रहते थे अब वे कहाँ हैं। पुजारी बोला, यहाँ तो कोई भिखारी बाबा नहीं रहते थे। हाँ, साईं बाबा का यह मंदिर जरूर है जो कई सालों से यहाँ पर है। रागिनी अब तक समझ चुकी थी कि वह भिखारी बाबा और कोई नहीं, स्वयं साईं बाबा ही थे। तो दोस्तों, ये है साईं बाबा की महिमा, जो अपने भक्तों को कभी पीड़ा में नहीं देख सकते और उनकी मदद के लिए हमेशा ही चले आते हैं। एक बार दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय साईं राम जरूर लिखें। बाबा आपकी भी सभी परेशानियां दूर कर देंगे।